अब हम बात करें त्रिस्तंभीय रोकड़ बही की, तो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो साधारण रोकड़ बही थी उसमें केवल कैश का कॉलम था, द्विस्तंभीय जो रोकड़ बही आई उसमें कैश और बट्टा दोनों जुड़ गया। अब त्रिस्तंभीय रोकड़ बही जो आएगी उसमें कैश, बट्टा और बैंक ये तीनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि बैंक संबंधी जो प्रविष्टियां होती हैं उनके लिए अलग से हम खाता न बनाकर इन्हीं खातों में कॉलम को हम बढ़ाते जाते हैं। अब बात अगर हम करें त्रिस्तंभीय रोकड़ बही की, तो उसमें अपने प्रविष्टि के कुछ नियम होते हैं, आइए उनके नियम पर हम एक नज़र डालें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें तीन तरह के व्यवहार जो है, कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो जुड़े होते हैं, एक तो रोकड़ से रिलेटेड, दूसरा बट्टा से रिलेटेड और तीसरा बैंक से रिलेटेड। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि भुगतान और प्राप्ति दो तरीके से होते हैं इसमें, एक तो कैश भुगतान और कैश प्राप्ति होती है और दूसरा चेक भुगतान और चेक प्राप्ति होती है। तो डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति क्या है, नगद व्यवहार है तो उसको हम रोकड़ कॉलम में लिखेंगे, बैंक संबंधी व्यवहार है तो उनको हम बैंक कॉलम में लिखेंगे, तो डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति क्या है। अब अगर हम बात करें कि इसमें रोकड़ प्राप्त होने, चेक का भुगतान करने या रोकड़ का भुगतान करने या बट्टे संबंधी जो व्यवहार है, तो किस प्रकार से इनकी प्रविष्टियाँ की जाएगी, तो इसके लिए हम सामान्य सिद्धांत जो है उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम जान लें कि कुछ विशेष प्रविष्टियाँ जो होती है, जो बैंक में जमा करने से संबंधित होती है, उन पर एक नज़र डालें। तो अगर बैंक में जमा किया गया चेक अप्रतिष्ठित हो जाए, डिसऑनर्ड हो जाए, डिसऑनर्ड की एंट्री हमने पहले भी पढ़ी, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं, एक तो सिर्फ निर्गमित किया गया था और एक जमा कर दिया गया था। तो अगर जमा किया गया चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वो चेक वापस ग्राहक के पास चला जाता है, तो यहाँ जो एंट्री होती है वो होती है ग्राहक का खाता डेबिट बैंक खाता से। यानी कुल मिलाकर जब हम त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बना रहे होते हैं, तो उसके बैंक के कॉलम के क्रेडिट साइड में हम ग्राहक खाता को इस प्रकार की प्रविष्टि करेंगे। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में लेखा करने के नियम सारांश में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत इन मदों को विकलन किया जाता है। ये मदे हैं, पहला, विक्रय से प्राप्त नगद राशि या आय नगद मिलने पर रोकड़ स्तंभ में। दूसरा, देनदार या ग्राहकों से प्राप्त नगद राशि रोकड़ स्तंभ में। तीसरा, प्राप्य विपत्र के परिपक्वता पर प्राप्त राशि रोकड़ स्तंभ में। चौथा, ग्राहक या अन्य किसी से प्राप्त चेक या ड्राफ्ट जो उसी दिन बैंक में नहीं भेजे गए रोकड़ स्तंभ में। बैंक से कार्यालय व हेतु निकाली गई राशि रोकड़ स्तंभ में। ग्राहक या अन्य किसी से प्राप्त चेक या ड्राफ्ट जो उसी दिन बैंक भेज दिए गए बैंक स्तंभ में। ग्राहक द्वारा व्यापारी के बैंक खाते में सीधे जमा की गई राशि बैंक स्तंभ में। व्यापारी द्वारा व्यापार के बैंक खाते में जमा की गई राशि बैंक स्तंभ में। बैंक खाते में डिपॉजिट रकम पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज बैंक स्तंभ में। बैंक द्वारा किया गया प्राप्य विपत्र, विनिमय विपत्र और विनियोगों द्वारा ब्याज संग्रह बैंक स्तंभ में। पूर्व में प्राप्त किसी चेक या ड्राफ्ट बैंक में संग्रह करने पर भेजने पर बैंक स्तंभ में। देनदारों या ग्राहकों को दिया गया बट्टा, बट्टा स्तंभ में। इसी प्रकार त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में समाकलन की जाने वाली मदें हैं, माल या किसी संपत्ति के नगद क्रय पर भुगतान की राशि रोकड़ स्तंभ में। लेनदार या किसी पक्ष को चुकाई गई नगद राशि रोकड़ स्तंभ में। व्यापारी द्वारा व्यापार के बैंक खाते में जमा कराई गई रकम रोकड़ स्तंभ में। पूर्व प्राप्त किसी चेक या ड्राफ्ट को बैंक संग्रह हेतु भेजने पर रोकड़ स्तंभ में। व्यापार से संबंधित व्ययों का नगदी भुगतान करने पर रोकड़ स्तंभ में। संबंधित व्यय हेतु नगद राशि आहरित करने पर रोकड़ स्तंभ में। व्यापार से संबंधित व्ययों का चेक से भुगतान करने पर बैंक स्तंभ में। माल या संपत्ति के क्रय का भुगतान चेक द्वारा करने पर बैंक स्तंभ में। व्यक्तिगत व्यय हेतु बैंक से राशि आहरित करने पर बैंक स्तंभ में। कार्यालय या व्यापार हेतु बैंक से राशि निकालने पर बैंक स्तंभ में। बैंक द्वारा व्यापारी के स्थायी अनुदेश पर सीधे भुगतान करने पर बैंक स्तंभ में। लेनदारों द्वारा बट्टे की राशि, बट्टा स्तंभ में। तो आइए इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए हम त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप देखें और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार त्रिस्तंभीय रोकड़ बही से संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हल किया जाता है।
निम्नलिखित लेन देनों को मैसर्स जय हर्ष की तीन खाने वाली रोकड़ बही में लिखिए। 2013 1 जनवरी नगद से व्यापार प्रारंभ किया 6,500 रुपये, बैंक में जमा किए 2,500 रुपये। 2 जनवरी मोहन से 660 रुपये प्राप्त हुए, उसे कटौती दी 10 रुपये। 3 जनवरी बैंक में जमा कराए 1,000 रुपये। 8 जनवरी 500 रुपये का माल नगद क्रय किया। 11 जनवरी राम को चेक से 240 रुपये का भुगतान किया और कटौती 10 रुपये मिली। 15 जनवरी रोकड़ बिक्री 500, बैंक में जमा किए 600 रुपये। 18 जनवरी श्याम से 500 रुपये का चेक प्राप्त हुआ और बैंक में जमा करा दिया। 20 जनवरी बैंक से कार्यालय के लिए 100 रुपये निकाले। 23 जनवरी सोहन से 200 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। 26 जनवरी बैंक में 200 रुपये का चेक भेजा, जो दिनांक 23 जनवरी को सोहन से आया था। 31 जनवरी वेतन 100 रुपये नगद और 40 रुपये किराया चेक द्वारा चुकाया। अब क्योंकि यहाँ पर हमको त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बनानी है, जिसमें डिस्काउंट, बैंक और कैश तीनों कॉलम आएंगे। यहाँ पर सबसे पहली हमारी जो एंट्री है वो होगी 1 जनवरी 2013 की, जबकि नगद से व्यापार प्रारंभ किया गया, तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हमको ये मानकर इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक में पोस्टिंग करनी है कि यही हमारा कैश अकाउंट है, यही हमारा बैंक अकाउंट है और यही हमारा डिस्काउंट अकाउंट है। तो क्योंकि हमारी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट जो है वो कैश कॉलम में चले जाएगी 6,500। और 1 जनवरी को ही बैंक में जमा किए, तो क्योंकि बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्योंकि जब बैंक और कैश दोनों खाते एक साथ प्रभावित होते हैं तो हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हमको लिखना है टू कैश अकाउंट और अमाउंट जो होगी वो बैंक कॉलम में जाएगी क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। और क्योंकि उसके बाद जो हमने जनरल एंट्री देखी थी वो थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको लिखना है बाय बैंक अकाउंट और इसके सामने एलएफ कॉलम में हमको अनिवार्य रूप से सी लिख देना है, सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री विपरीत प्रविष्टि हुई है। 2 जनवरी मोहन से 660 रुपये प्राप्त हुए और उसे कटौती दी 10 रुपये। अब यहाँ पर क्योंकि प्राप्त हो रहे हैं तो हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और बट्टा दिया गया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब क्योंकि कैश एंड डिस्काउंट अकाउंट दोनों डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे 2 जनवरी को टू मोहन अकाउंट और डिस्काउंट जो 10 रुपीज है उसको हम इसके सामने डिस्काउंट कॉलम में डालेंगे और कैश जो है 660 उसको हम कैश कॉलम में लिखेंगे। 3 जनवरी को फिर से बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1000 और अमाउंट बैंक कॉलम में जाएगी और हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगी। और 8 जनवरी को क्योंकि 500 रुपये का माल नगद खरीदा है और यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब क्योंकि कैश अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट 500 रुपीज। 11 जनवरी को राम को चेक से 240 रुपये का भुगतान किया और कटौती दी, अब क्योंकि राम को भुगतान किया जा रहा है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी राम डेबिट और चेक से भुगतान किया जा रहा है तो टू बैंक टू डिस्काउंट, अब क्योंकि बैंक और डिस्काउंट अकाउंट दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो इसके क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे 11 जनवरी बाय राम अकाउंट और डिस्काउंट में हम 10 रुपीज लिखेंगे और 240 रुपीज हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। 15 जनवरी को रोकड़ बिक्री 500 रुपये हुई है, तो यहाँ पर हम रोकड़ बिक्री जब करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री होती है
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो 15 जनवरी को हम डेट डालेंगे और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 500। जिसे हम कैश कॉलम में लिखेंगे और उसके बाद ये उसी डेट पे एक बैंक में पैसे जमा कराए गए हैं 600 रुपए। तो क्योंकि बैंक में पैसे की नॉर्मल जो एंट्री होती है, अभी तक हमने 2-3 एंट्री से रिलेटेड की करी हुई है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में चले जाएगी। और क्योंकि कैश अकाउंट इसमें क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और 600 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे। 18 जनवरी को शाम से 500 रुपए का चेक प्राप्त हुआ और बैंक में जमा किया। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि चेक जिस दिन प्राप्त हो रहा है उसी दिन वो डायरेक्ट बैंक में जमा हो जा रहा है। तो हमने जनरल पोस्टिंग जब बैंक से रिलेटेड की थी तो वहां पे भी हमने देखा था कि जिस दिन चेक मिलता है डायरेक्ट उसी दिन हम उसको बैंक में जमा कर देते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू श्याम अकाउंट 18 जनवरी और अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में 500 ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम देख रहे हैं 20 जनवरी को, तो यहाँ पर एंट्री हुई है बैंक से कार्यालय के लिए निकाले, ऑफिस यूज के लिए हम बैंक से निकाल रहे हैं, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से विड्रॉल करने पर दो तरह की एंट्री होती है। अगर हमने निजी प्रयोग के लिए विड्रॉल किया है तो हम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं, और अगर हमने ऑफिस पर्पस से विड्रॉल किया है तो हम नॉर्मल जो बैंक से कैश विड्रॉल की जो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ऑफिस यूज के लिए हमने निकाले हैं तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और क्योंकि एक ही एंट्री में दो पक्ष, दोनों बैंक और कैश दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और 100 रुपीज हम इसके लिए लिखेंगे। और दूसरी जब हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और 100 रुपीज से हम इसकी एंट्री बैंक कॉलम में करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सोहन से 200 रुपए का चेक प्राप्त हुआ। तो हमको ध्यान में रखना है कि सिर्फ चेक प्राप्त हुआ है, बैंक में अभी जमा नहीं हुआ है। 23 जनवरी को अगर सिर्फ चेक प्राप्त हुआ है तो इसकी एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सोहन और 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे कैश के डेबिट साइड में। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक में 26 जनवरी को 200 रुपए का चेक भेजा, जो कि 23 जनवरी को हमने यहाँ पर देखा था कि सोहन से मिला था। अब क्योंकि नेक्स्ट डेट पे हम इसको बैंक में जमा कर रहे हैं तो नॉर्मल जो बैंक में जमा करने की एंट्री होती है वही एंट्री होगी, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक कॉलम के, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट बैंक कॉलम में डालेंगे, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट जो है वो कैश कॉलम में डालेंगे और सी लिख देंगे हम यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। 31 जनवरी को हम देख रहे हैं कि वेतन दिया है नगद 100 रुपए और किराया दिया है 40 रुपए चेक से। तो जब वेतन हम नगद देंगे तो हमारी जनरल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट और अमाउंट को हम कैश कॉलम में लिख देंगे 100 रुपीज। उसके बाद किराया चेक से दिया है तो इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट और 40 रुपीज से हम इसकी एंट्री बैंक कॉलम में कर देंगे। अब क्योंकि हमने सारी पोस्टिंग कर ली है, पहले भी हमने देखा था कि डिस्काउंट कॉलम का हमको बैलेंस नहीं निकालना है, हम इसके डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग टोटल करके इसको क्लोज कर देंगे। बैंक कॉलम का हमको बैलेंस निकालना है तो बैंक कॉलम का डेबिट का टोटल है 4800, ये ज्यादा है, और इसमें से हम क्रेडिट साइड के टोटल यानी 240, 100 और 40 को माइनस करेंगे
तो ये जो बैलेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 4420 और यहाँ पर हम इसको 4800 से क्लोज कर देंगे। कैश को अगर हम देखें तो डेबिट साइड का जो कैश है वो है 7960 टोटल, इसमें से क्रेडिट के बैलेंस को जब हम माइनस कर देते हैं तो 3060 रुपीस आता है बैलेंस और इसको हम 7960 रुपीस से क्लोज कर देते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार त्रिस्तंभी रोकड़ बही से संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हम हल करते हैं। जिस प्रकार साधारण रोकड़ बही के साथ हम खतौनी करते हैं, द्विस्तंभी रोकड़ बही के साथ हम खतौनी करते हैं, ठीक उसी प्रकार त्रिस्तंभी रोकड़ बही के अंतर्गत भी खतौनी की जाती है। यहाँ पर हम एक नज़र डालें तो खतौनी से संबंधित कुछ नियमों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अलग से हमको रोकड़ खाता बनाने की जरूरत नहीं होती, ये हमने प्रारंभ में भी पढ़ा। शेष जो होता है वो सीधे का सीधा चिट्ठा में ट्रांसफ़र हो जाता है। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि विपरीत प्रविष्टि की भी खतौनी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विपरीत प्रविष्टियाँ जो होती है, कॉन्ट्रा एंट्री जो होती हैं, उनका अपना एक नियम होता है कब की जाती हैं वो। मान लीजिए कि बैंक में पैसा जमा किया तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से। अब त्रिस्तंभी रोकड़ बही में हमने माना कि यही हमारा बैंक खाता है, यही हमारा रोकड़ खाता है, तो इस कंडीशन में हम एक तरफ तो बैंक की भी एंट्री कर रहे हैं, दूसरे तरफ हम रोकड़ की भी एंट्री कर रहे हैं। तो जब ये बैंक और रोकड़ दोनों पक्ष एक साथ प्रभावित होते हैं तो वो कहलाती है विपरीत प्रविष्टि यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री जो है उसके लिए हम अलग से हमको किसी प्रकार की खतौनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम बट्टा से संबंधित, हमने देखा कि किस प्रकार हमने द्विस्तंभी रोकड़ बही में बट्टा से संबंधित खतौनी की, तो द्विस्तंभी रोकड़ बही की तरह त्रिस्तंभी रोकड़ बही में भी हम बट्टा से संबंधित खतौनी करेंगे और साथ में बाकी जो रोकड़ जो प्राप्त है उसके लिए, जिससे हमको रोकड़ प्राप्त हुई हम उसका खाता बनाएंगे और जिस व्यक्ति को हमने रोकड़ दी है उसका खाता बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मोहन से रोकड़ प्राप्त, तो रोकड़ जो है वो तो हमने रोकड़ खाते में लिख दी, लेकिन मोहन भी एक पक्षकार है जो प्रभावित हो रहा है तो उसका हम अलग खाता बना लेंगे। या सोहन को रोकड़ दी, तो रोकड़ जो मिला वो तो हमने रोकड़ खाते में लिख लिया, लेकिन सोहन को जो दिया है तो वो हमने सोहन के लिए हमको अलग पक्षकार के लिए अलग खाता बनाना पड़ेगा। तो आइए त्रिस्तंभी रोकड़ बही के साथ खतौनी करने के जो नियम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं।